ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। जब जब अयोध्या का नाम आएगा तब तब याद किया जाएगा पुष्पगिरि तीर्थ और कालीसिंध नदी को, जो कि देवास के लिए गौरव की बात है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य जरूर होगा कि देवास जिले से अयोध्या हजारों कोसों दूर है, फिर पुष्पगिरि तीर्थ और कालीसिंध नदी का नाम अयोध्या के साथ क्यों अमर हो जाएगा। और यह होगा कड़वे प्रवचनों के लिए ख्यात समाधिलीन जैन आचार्य तरुण सागर जी की वजह से। तो हम बताते हैं आपको इसका विस्तृत कारण। वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 3 मंजिला भव्यतम रूप लिए हुए बनने वाले इस ऐतिहासिक राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसके कारण देश भर से कुछ चुनिंदा ही संत और महात्मा और VIP इस शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे, लेकिन इसकी भव्यता और रोचकता अभी से पूरे देश भर के लोगों में बनी हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निवेदन किया गया है कि सभी धर्मों के पावन क्षेत्रों की मिट्टी और पानी इस शिलान्यास स्थल पर पहुंचे, जिससे भव्य मंदिर का निर्माण सुंदरतम तरीके से हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मालवा प्रांत के अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ पुष्पगिरि तीर्थ पहुंचे, जहां पर विराजमान पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पतंत सागर जी महाराज, संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज, छल्लुक श्री पर्व सागर जी महाराज के पावन उपस्थिति में मानव सेवा तीर्थ पुष्पगिरि से अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु कड़वे प्रवचनों के लिए जैन संत समाधिलीन आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज की समाधि की मिट्टी से भरा कलश संतों के आशीर्वाद से प्राप्त किया। मुनि सौरभ सागर जी और पर्व सागर जी ने विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को समाधि भूमि का मिट्टी कलश सौंप कर अयोध्या के लिए भेजा। श्री पर्व सागर जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री तरुण सागर जी की हार्दिक इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। इसी भावना से मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उनके समाधि स्थल, जहां जहां उनका अस्थि कलश स्थापित है, उसी स्थान की मिट्टी उनके पुष्प स्वरूप राम मंदिर कमेटी के निवेदन पर भेजकर भावनात्मक रूप से सम्मिलित हो रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, देश के हर एक तीर्थ की मिट्टी बुलाई व सम्मिलित की जा रही है, पर पुष्पगिरि तीर्थ की मिट्टी व कलश इसलिए अलग महत्व रखता है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के और किसी भी संत की मिट्टी सम्मिलित नहीं की जा रही है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय सचिव दिनेश गोयल जी ने अयोध्या से अपनी भावना रखी और एक प्रतिनिधि मंडल कड़वे प्रवचनों के लिए मशहूर क्रांतिकारी राष्ट्र संत समाधिस्थ जैन आचार्य श्री तरुण सागर जी का समाधि स्थल तरुण सागरम तीर्थ बसंतपुर सैतली मुरादनगर उत्तर प्रदेश सहित 3 तीर्थों मानव सेवा तीर्थ पुष्पगिरि व गंग नहर मुरादनगर स्थित मनसापूर्ण महावीर जीवन आशा तीर्थ की मिट्टी मंदिर के निर्माण के लिए भेजी है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत अध्यक्ष कांति भाई पटेल, दिलीप जैन, प्रमोद, प्रदीप गोयल, कमल अग्रवाल, महेश माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। इधर सोनकच्छ नगर की जीवनदायिनी माँ कालीसिंध नदी का जल भी एक छोटे से लोटे में भरकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। नगर के युवाओं ने बड़ी आस्था के साथ विश्व हिंदू परिषद सदस्यों से मांग की थी कि कालीसिंध नदी का जल भी मंदिर निर्माण में उपयोग लिया जाए। इस आह्वान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मांग आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए उसे अयोध्या भेजने के प्रबंध किए। कालीसिंध नदी का जल नगर के धर्मेंद्र राजनाथ, अर्जुन राजपूत, रितेश चौहान, दीपक राठौर आदि ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को सौंपा है। ताजा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताजा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप। अभी राष्ट्रीय नवाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।